अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदील अली। आप देख रहे हैं योर अदील यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ क्यों मोबाइल के दूसरे मोबाइल में भी ये मसला देखने को मिलता है। अगर आप नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सबको इस मसले का पता चले। ये मसला जो है वो कुछ इस तरह से है कि जब हम कोई ऐप लॉक इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप लॉक नहीं चलता, बैकग्राउंड में ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। उसके अलावा मैसेंजर का जो वो चैट है जो है वो हम ओपन जब करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। मैसेज आता है तो पता नहीं चलता, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या फेसबुक पे मैसेंजर का मैसेज आता है तो वो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, बैकग्राउंड में वो ऐप क्लोज हो चुका होता है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। उसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन एप्लीकेशन की और सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, उन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से उनको डाउनलोड कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीदियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें योर अदील यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें नई वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए। में जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर। इसका आइकन आप देख लीजिए, इसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर। इसके डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर का भी, और एपीके डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आप चेक कर लीजिए। और आपने इसको जब डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, अपनी होम स्क्रीन पे खाली जगह पे टच करके रखना है और होल्ड करना है, तो ऐसे मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू से आपने विजेट्स में जाना है, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगी विजेट्स की, विजेट्स में आपने जाना है। विजेट्स में आपने जाने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर का विजेट जो है वो फाइंड करना है। क्विक शॉर्टकट मेकर का विजेट जो है जब फाइंड कर लेंगे तो इसको ड्रैग करके होम स्क्रीन पर ड्रॉप करना है। इस तरह से ये मिल गया, इसको पकड़ के टच करके रखना है और यहाँ पर ला कर छोड़ देना है। तो आपके पास एक मेन्यू खुलेगा, एक पॉपअप खुलेगा क्विक शॉर्टकट मेकर का, उसमें से आपने एक एक्टिविटी, एक सर्विस जो है वो फाइंड करनी है। ये सर्चिंग कर रहा है आपकी मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस और सर्विसेज हैं। जब ये सर्च कर लेगा तो आपने एक काम करना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना है आपने, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जो बैकग्राउंड में जो जो आप डाउनलोडिंग करते हैं और वो डाउनलोडिंग रुक जाती है मिनिमाइज़ करने से, तो वो मसला आपका हल हो जाएगा, ऐप लॉक भी चलने से शुरू हो जाएंगे और आपके मैसेंजर के चैट हेड्स भी क्लोज नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। तो आपने क्या करना है, सिंपली नीचे आना है, नीचे आके आपने वन क्लीन नाम की सर्विस को फाइंड करना है। वन क्लीन नाम के आपके पास हो सकता है दो चीज़ें आती हों, तो जो मैंने टिक किया है, जो मैंने पॉइंट किया है, सिर्फ आपने उसी को करना है। इसका कलर आप देख लीजिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ये देख लीजिए इसका आइकन, ये है। तो आप जब क्लिक करेंगे दो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपने लो रैम कॉन्फ़िगरेशन वाली ऑप्शन जो है, सेकंड वाली ऑप्शन जो आपके पास आएगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास एक आइकन बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसे को ओपन करना है, टच करके ओपन करें। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो मेन्यू ओपन होगा उसमें से आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, तो आप इसको ओपन कीजिए और लो रैम इनेबल और बैकग्राउंड इनेबल को अनटिक कर दीजिए, और बैकग्राउंड सर्विस लिमिट जो है वो 6 या 8 रख दीजिए, अपनी मर्जी से जितने आप सर्विसेज चलाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, और उसके बाद अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई।